गाइस बी डाउन हॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चले दोस्तों, बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रभास की ये माइथोलॉजी साइंस फिक्शन मूवी कल्कि 2898 एडी रिलीज हो चुकी है और इसी के साथ इस मूवी ने बहुत सारी ऊंचाइयों को छू लिया है और 100 करोड़ क्लब में भी शामिल हो चुकी है और उनके पार वो आंकड़ा भी चला गया है। ये मूवी लंबे इंतजार के बाद बीती 27 जून को ही रिलीज हुई है। कल्कि ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई का अंबार लगा दिया है। कल्कि मूवी को रिलीज हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुआ और अब कल्कि के सिक्वल की चर्चा तेज बन गई है। प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन, दिशा पटानी स्टार मूवी कल्कि 2898 एडी के आखिर में 2 बी कंटिन्यू छोड़ा गया है जो मूवी के सिक्वल का हिंट दे रहा है। वही मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि कल्कि की कहानी आगे बढ़ाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो कल्कि पार्ट 2 कमल हसन के विलन किरदार यास्किन पर चर्चा करेगी क्योंकि कल्कि के पहले पार्ट में कमल हसन का रोल बेहद ही कम बताया जाया है। वहीं मूवी के सेंटर अमिताभ बच्चन और प्रभास से ही रहेंगे। कल्कि के पार्ट को प्रोड्यूस होने में 3 साल का समय लगेगा। प्रभास की कल्कि के दूसरे सिक्वल पर कई इंटरव्यू में हिंट दिए गए हैं। प्रभास ने कल्कि की फ्रेंचाइजी के आगे के पार्ट में भी काम करने की इच्छा जताई थी। कल्कि की कहानी महाभारत के काल से शुरू होकर साल 2898 के तकनीक युग में एंटर करती है जहां एक शक्ति बुराई का नाश कर अच्छाई को आगे बढ़ाती है। दर्शक, फिल्म क्रिटिक्स और सेलेब्स मूवी कल्कि की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी का दूसरा सिक्वल देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।